ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी और दुनिया के अग्रणी पीसी एवं टैबलेट ब्रांड लेनोवो ने आज पंजाब में 3 लेनोवो एक्सक्लूसिव स्टोरों के लॉन्च की घोषणा की। ये स्टोर लुधियाना, जलंधर एवं बठिंडा के मुख्य स्थानों पर स्थित हैं। लेनोवो के पास अब ग्रेटर पंजाब में कुल 20 एक्सक्लूसिव स्टोर हो गए हैं। ये विस्तार राज्य में मजबूत रिटेल फुटप्रिंट बनाने तथा क्षेत्र के ग्राहकों के नज़दीक पहुँचने की लेनोवो की कार्य योजना का हिस्सा है। विकास भामरी, वॉइस ऑफ एशियन, लुधियाना। नहीं, आज हमने नया लुधियाना में एक अपना एक्सक्लूसिव स्टोर खोला है लेनोवो ने, और उसी का इनॉग्रेशन आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये हमारा लुधियाना में 5वां स्टोर है। हमारे कंपनी लेनोवो का एक बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रेटजी रहा है ग्रेटर पंजाब में रिटेल अपना प्रेजेंस बढ़ाने का, और हमने पिछले वर्ष 10 नए स्टोर खोले और अब हमारे 20 स्टोर हैं ग्रेटर पंजाब में, और हमारा प्लान है कि हम 10 और स्टोर खोलेंगे इस साल में। और ये बहुत ही सक्सेसफुल हमारा प्लान रहा है कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कराने का हमारे स्टोर्स पे, अपने ब्रांड को बिल्ड करने का, और इससे हमारी सेल्स और टर्नओवर में काफ़ी ग्रोथ मिली है और कंज्यूमर्स के अवेयरनेस जो है मार्केट में वो बहुत बड़ी है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पार्टनर्स को जिन्होंने हमारे साथ में ये स्टोर्स खोले हैं। नितिन जी हैं जिन्होंने हमारा 3रा स्टोर खोला है लुधियाना में, और बहुत सारे पार्टनर हैं जो हमारे साथ और भी नए स्टोर्स खोलना चाहते हैं। सर्विस सेंटर, हमारे ग्रेटर पंजाब में 7 सर्विस सेंटर हैं, और सर्विसेज के एरिया में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेनोवो कंपनी ने लास्ट एक साल में किया है। बहुत सारी सुविधाएँ हैं कंज्यूमर्स के लिए कि अब उनको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक लेन केयर ऐप है हमारा कंपनी का, जिस पे आप अपनी सर्विस की कंप्लेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हैं जिन पे आप डायरेक्टली डायल कर सकते हैं लैपटॉप की कंप्लेंट से रिलेटेड। इंजीनियर्स हैं हमारे क्वालिफाइड जो खुद आकर के घर पे कंप्लेंट्स को एंटरटेन करते हैं, और प्रीमियर कस्टमर्स के लिए स्पेशल केयर सर्विस है। एक डेडिकेटेड नंबर है जहाँ पर वो कभी भी 24 घंटे डायल कर सकते हैं और उनको इमीडिएट सेवा मिलती है। हमारा मार्केट शेयर अभी लेनोवो का इंडिया में करीबन 17% के करीब है, और वो हमारा मार्केट शेयर ग्रो कर रहा है। हमारे प्लान्स हैं कि हम अगले साल में एटलीस्ट 3-4% की ग्रोथ मार्केट शेयर में चाहते हैं। तो मार्केट कंपटीशन वही है जो ग्लोबली भी है, HP, डेल, एसर, आसूस और लेनोवो और कई रेस्पेक्टेड ब्रांड्स हैं इस इंडस्ट्री में। नहीं तो हमारे लैपटॉप्स जो हैं वो हर रेंज में अवेलेबल हैं। अगर आप देखें तो आज 20,000 से लेकर और 1.5 लाख तक के प्रोडक्ट्स हैं, तो चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कोई होम मेकर हैं या बिजनेस मैन हैं, या फिर कोई गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो हर रेंज के लैपटॉप्स हैं। प्राइसिंग हमारी बहुत कॉम्पिटिटिव है, और मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी हम ऑफर कर रहे हैं, आज की डेट में मेरे हिसाब से तो सबसे कॉम्पिटिटिव। हाल ही दे विच कश्मीर के कठुआ इलाके दे विच वापरी दर्दनाक ते शर्मनाक घटना के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए मैरीमेंट पब्लिक हाई स्कूल लुधियाना के विद्यार्थियों ने पैदल मार्च करके आसिफा को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मार्च के अध्यापकों के बच्चों के द्वारा कालियां झंडियां ते काले दुपट्टे दिखा के अन्याय के विरुद्ध सरकार नूं कार्रवाई करन दी आवाज़ उठाई। इस मार्च के दौरान विद्यार्थियों ते अध्यापकों ने मंग की कि गुनाहगारां नूं सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए ताकि अगे तो कोई भी अपराधी अजिहा अपराध करन दा हिया ना कर सके। बिजली डिपार्टमेंट का भी एक होर नवा कारनामा देख लो। लुधियाने दे विच एक शख्स ने 2015 च एक प्रॉपर्टी खरीदी ते 2018 उसे प्रॉपर्टी के पुराने बिल यानी कि 43,000 का जिहड़ा बकाया सीगा उन्हूं पा दिता गया, जबकि उहदे कोल पुरानियां रसीदां ने। फिलहाल इस शख्स का कहना है कि जे डिपार्टमेंट उहदी सुनवाई नहीं करेगा तो वह रोस धरना ते मुजहरा भी कर सकता है। विकास भामरी, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना। भाजी मैं हरप्रीत सिंह बोल रहा, विकास नगर पखुआ रोड तो। असी भाजी एक प्रॉपर्टी जिहड़ी है 2015 दे विच असी लई सी किसे लखजिंदर कौर तो। उस तो बाद असी उहनूं जदों अपने जदों असी प्रॉपर्टी लई तां उन्होंने अपना मीटर बिजली का बिल दे सारे पे करके रसीदा सानूं दित्तियां। उन्होंने जो रसीदा इस्टा मेरे कोल ने 2015 दियां, जिंदे विच मतलब ये 42-43,000 दियां रसीदा हैगियां। तो उस तो बाद असी वह मीटर अपने नाँ ते करवाया,
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਬਦਲਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਲਈਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 42-43 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਬਦਲਿਆ ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਧਾਇਆ ਮਤਲਬ 2 ਵਾਰੀ ਮੀਟਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3 ਫੇਸ ਮੀਟਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2018 ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 2015 ਦਾ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ SDO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਲੈ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸੀਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਇੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਰਸੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਰਸੀਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਰਸੀਦ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਰਸੀਦ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪ ਲੱਭਣ ਅਸੀਂ 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਬਲਾਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਓਂ ਕੇ ਚਲਤੇ ਏਕ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਗਿਰ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਗਲੀ ਮੇਂ ਆਕਰ ਗਿਰਾ ਯੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪੇ ਔਰ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਸੇ ਬਚਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ लुधियाना पुलिस के लिए एक बड़ी चिंता थी स्लेम टाबरी इलाके से गुम हुआ एक नन्ना सा बच्चा लेकिन ADCP 1 गुरप्रीत सिंह और उनकी टीम स्लेम टाबरी के इंस्पेक्टर विजय कुमार और ASI जिंदर सिद्धू और सभी कर्मचारियों ने मिलकर आखिरकार उस बच्चे को सकुशल ढूंढ लिया है अब उस बच्चे को उसके वारिसों के हवाले कर दिया गया है और पुलिस तलाश कर रही है उस आरोपी की जिसने बच्चे को उठाया उसकी क्या मंशा थी और क्या इरादे थे ये अभी आने वाले समय में पता लग पाएंगे SDM निष्काम सेवा सोसाइटी की तरफ से कंप्यूटर्स और स्टिचिंग का सेंटर चलाया जा रहा है श्री गीता मंदिर विकास नगर पखवाल रोड में इस मौके पर सोसाइटी की तरफ से लुधियाना के मेयर बलकार सिंह संधू और काउंसलर ममता आशु को विशेष तौर पर सर्टिफिकेट्स देने के लिए आमंत्रित किया गया जिन्होंने 60 स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स दिए और साथ ही फीमेल फिटिसाइड के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाई इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी प्रदीप ढल और उनके मेंबर्स के द्वारा श्री संधू और श्रीमती आशु को सम्मानित किया गया जब जनता नाराज हो जाती है तो कुछ भी कर सकती है अब इस वीडियो को ही देख लीजिए जो हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है झारखंड में अपने एक नेता से नाराज जनता किस तरह से जूते चप्पल फेंक रही है और सैकड़ों की गिनती में जूते चप्पल नेता के ऊपर फेंके जा रहे हैं और उन्होंने ऐसे मामले में भागने में ही अपनी गनीमत समझी ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਤੂ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕੇਤੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਚੜਾਓ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚੜਾਓ
काले कपड़े दे विच सफेद ते काले तिल बन के तुसी ए भी जल प्रवाह कर सकते हो। इदां ही रंग बिरंगे गां नूं तुसी रोटी पा सकते हो ते रंग बिरंगे कुत्ते नूं भी दुध ते रोटी पा सकते हो, जिहदा तुहाडा केतु अच्छा होण दे चांसिस बनदे आ। बाकी होर बहुत सारे उपाय देखने लई तुसी साडा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर लुधियाना इंडिया उहनूं भी सबसक्राइब कर सकते हो, जिथे साडा रोज़ एक नवा एपीसोड अपलोड होंदा है। थैंक यू। सुनाम में भी बाल मजदूरी जोरों से चल रही है और ऐसी एक जगह की नहीं बल्कि बहुत जगह की वीडियोस है। सुनाम से ऋषु गागर। अपने रेहड़े पर गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले एक आरोपी ने अब शुरू कर दिया था गांजा सप्लाई, लेकिन लुधियाना की तेज तरार एसटीएफ की टीम के हाथों पकड़ा ही गया। एसटीएफ के इंचार्ज लुधियाना के सब इंस्पेक्टर हरबंस सिंह की टीम ने आखिर इस रिक्शा रेड़ा वाले को दबोच लिया और 2 क्विंटल गांजा के साथ पकड़ लिया। अब बाकी की पूछताछ जारी है। साड़ी एसटीएफ लुधियाना यूनिट की टीम ने कल शाम नू यार्ड चौक ढंडारी फोकल पॉइंट लुधियाना तो एक रिक्शा रेड़ा चालक ओमा शंकर जो गरीबदास कलोनी पिंड हरनामपुरा थाना डेलो का रहने वाला इनू असी काबू करके ये रिक्शे रेहड़े के पिछों 2 क्वांटल जोड़ो बहुत भारी मात्रा के गांजा लैके जा रहा है, ये तो असी रिकवर किया। ये बरखिलाफ मुकदमा नंबर 262 थाना फोकल पॉइंट के NDPS एक्ट का दर्ज करके इनू असी गिरफ्तार कर लिया ते अज इहदा पुलिस रिमांड हासिल करके ये तो ये पता करांगे कि इन्ना भारी मात्रा के गांजा ये कित्थों लैके आया सी ते अगे किहड़े किहड़े गाहकां नूं सप्लाई करना सीगा। मे भी ये मेरे मुताबिक तो जो मैं काफ़ी देर तो पढ़ता भी आ रहा देखता भी हाँ एड्डी वड्डी रिकवरी कदे भी किसी ने इकट्ठी नहीं की हैगी। पुछगिछ तो इन्हें दो तीन स्टेटा तो जितों मंगवा वह बंद नाम दसे ने उन्होंने बारे असी पूरी पड़ताल करके कोशिश करा कि जे अगर सफा मिसल तो उन्होंने बरखिलाफ कोई सबूत आए तो उन्होंने भी असी मुरजम बनावे तो अपना उन्होंने गिरफ्तार करा।